महान वैज्ञानिक सर जेसी बॉस के विज्ञान भवन को जल्द ही संवारने का कार्य किया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के साथ विज्ञान भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएससी अरविंद कुमार, जेसी बॉस सोसाइटी के रितेश सराक, रामजी प्रसाद यादव, प्रभाकर कुमार समेत कई झामुमो कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मौके पर सभी ने घूमकर पूरे विज्ञान भवन का निरीक्षण किया, वहीं इसको संवारने को लेकर चर्चा की। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि जेसी बॉस लाइब्रेरी के रूप में गिरिडीह में यह ऐतिहासिक धरोहर है। बहुत ही आवश्यक है कि इस लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार हो, यहाँ पर बच्चे आए और धरोहर का सम्मान करें, इसके महत्व और महानता के बारे में जानें। कहा कि नए सिरे से इसको स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। समिति गठन कर इसके रखरखाव आदि की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, साथ ही जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक निधि को उपलब्ध कराया जाएगा। लाइब्रेरी को समृद्ध कर दें, यहाँ की व्यवस्था साथ संचालन उनके जिम्मा कर दें। हर को बचाने की कोशिश है, अब देखें हम लोग कहां तक इसमें कामयाब होते हैं। गिरिडीह जिले में एक ऐतिहासिक धरोहर है जेसी बोस लाइब्रेरी के रूप में, और यह बहुत आवश्यक है कि इस लाइब्रेरी का जीर्णोद्वार हो, यहां पर बच्चे आए, धरोहर का सम्मान करें, यहां के महत्व और यहां की महानता के बारे में जानें। इसके द्वारा बनाए गए जितने भी मशीन हैं, अपैरेटस हैं, मॉडल हैं, उनका रख रखाव सही तरीके से सुनिश्चित हो जाए और आने वाले सभी लोग उसका लाभ ले सकें। तो इसको एक पूर्ण रूपेण नए सिरे से इसको स्थापित करने के लिए सबसे पहले यहाँ एक समिति का गठन करवाने का निर्णय लिया गया है। समिति बनाकर उसको यह जिम्मा दिया जाएगा कि सही तरीके से इस पूरे लाइब्रेरी का रख रखाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किस तरह से यहाँ बच्चे आ सकते हैं, उनको क्या लाभ मिल सकता है, उस पर कंटिन्यूस निगरानी बना के रखें। यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इसका एक पूरा रेनोवेटेड लुक आगे जाए।